में कायमा कमेटियों की तश्कील, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत को पंजाब असेंबली की 21 और अपोजिशन को 19 कमेटियों की सरबराही मिलेगी। अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमजा शहबाज का नाम पेश करेगी। दो कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। कायमा कमेटियों के लिए नाम आज दिए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का अजलास। अरकान असेंबली को बुलाने के लिए घंटियां बजाई जाने लगी। अमन अमान की सूरत हाल पर बहस का इम्कान। कॉमर्स एंड सरमायाकारी, लेबर एंड ह्यूमन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पर सवाल किए जाएंगे। सानहा सहवाल, मकतूल खलील और ज़ेशान के अहले खाना पुलिस सिक्योरिटी में इस्लामाबाद रवाना। खलील का भाई जमील और ज़ेशान की वालिदा और भाई एहतशाम की सदर मुमलिकत से मुलाकात मतवक़। मकतूल खलील के भाई का कहना है कि ऐवान सदर से कोई दावतनामा नहीं मिला, पुलिस इस्लामाबाद ले जा रही है। ज़ेशान के वालिदा के मुताबिक इन्हें फ़ोन करके बुलाया गया। अब बेटा तो वापस नहीं आ सकता, उम्मीद है कि इसके नाम पर से दहशतगर्द का लेबल उतर जाए। सानहा सहवाल, 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान करने वाले 2 मिनट के इजहार अफसोस के लिए ना पहुंचे। पैसों से मेरे भाई की कीमत लगाई जा रही है। मकतूल खलील के भाई की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। मुकदमा के मुदाई खलील के भाई ने फैमिली के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। आशियाना इकबाल स्कैंडल, फवाद हसन फवाद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस से मुलजिम के बेनिफिशरीज को भी नामजद किए जाने का इम्कान है। सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कर्ज उतार मुल्क सवारों स्कीम के तहत शहरियों को लूटा गया। स्कीम में 1 लाख रुपए जमा कराए। नवाज शरीफ ने शहरियों के पैसे को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार। डिफेंस ए में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। 2 खातिन गोलियां लगने से जख्मी, जनरल हस्पताल मुंतकिल। खातिन की शनाख्त कोमल और जवेरिया के नाम से हुई। वाकई की तफ्तीश जारी, पुलिस हुकाम। और खोखर पैलेस बचाने के लिए एलडीए अफसरान मेहरबान हो गए। गैर कानूनी तामीर की सरपरस्ती का मलबा एलडीए के फोर्थ शिदगान अफसरान पर डाल दिया गया। मरने वालों से इंक्वायरी कौन करे, मामला खटाई में डालने का मंसूबा तैयार।